मुर्दाबाद, 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 बीमार भी मुर्दाबाद, 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 नत्थे खराजात, मुर्दाबाद, 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 613 दो गई है, चंद्रसे खराजात, मुर्दाबाद, 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 चंद्रसे खर गाजियाबाद जिले में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाल्मीकि समाज के नेता एवं लोगों पर जानलेवा हमला करने के संबंध में प्रदेश के वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। उसी क्रम में आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक रत्नागर की अध्यक्षता में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सांसद पद से हटाकर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक रत्नागर ने अपने संगठन के माध्यम से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि 24 अगस्त को गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का भाईचारा सम्मेलन था, जिसमें वाल्मीकि समाज के नेता भाई आकाश चंदेल और उनके साथी सांसद चंद्रशेखर आजाद से अपने समाज के सफाई कर्मचारियों की बात करने पहुंचे तो सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद जी की गाड़ी के आगे से हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें सांसद जी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके साथ मारपीट की गई, जिसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते समस्त वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। इसलिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ये मांग करती है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद व उनके कार्यकर्ताओं के साथ उचित कार्यवाही की जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। 24 तारीख को जो भैया मोबाइल पे करो आजाद रावण के भीम आर्मी और ये काम हमें करना था, हमारा काम है, तुम्हारा नहीं है, तो हम ले लियो। अब तो मान ले लेंगे जानलेवा हमला किया है, तो बहुत मन में है और हमारी आपसे ले लोगे यार, आप ये अपने माध्यम से आप मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के पास पहुँचाए और प्रदर्शन किया गया किस मुद्दे को लेकर। जी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मुरादाबाद और वाल्मीकि समाज के अन्य जितने भी युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं अभिषेक रत्नाकर जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मुरादाबाद से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 24 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद है वह भाईचारा सम्मेलन में जिला गाजियाबाद में पहुँचे और उनके द्वारा जो भीड़ है हमारे समाज के आकाश चंदेल जी और अन्य साथी उनसे बातचीत करने गए थे सफाई कर्मचारियों के हित के विषय में। उन्होंने वहाँ पर उनसे बातचीत की, जब उन्होंने आकाश चंदेल जी ने और उनके साथियों ने यह बात रखी कि साहब सांसद महोदय आपका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अति वंचित समाज के लिए आरक्षण का जो फैसला लिया है उसके हितों के लिए, तो आपकी उसमें क्या राय है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा कि इनको यहाँ से हटाओ और वहाँ की जो हजारों की संख्या में जो भीड़ थी उन्होंने उन जो 4, 5, 6, 7 जो लोग थे उन लोगों पर धारदार हथियारों से लाठी डंडों से और यहाँ तक कि आप वीडियो देखिए चप्पलें और लाते घूसों से उन पर बरसात की और उनको जानलेवा हमला करते हुए उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी के सिलसिले में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा मुरादाबाद की ओर से अन्य और जो वाल्मीकि समाज के हमारे संगठन या फिर जो साथी हमारे एकत्रित हुए हैं उन लोगों की तरफ से हमने आज ये ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उन लोगों की जिन्होंने ये जानलेवा हमला किया उन पर गिरफ्तारी की जाए और चंद्रशेखर आजाद को सांसद पद से हटाने का काम किया जाए सरकार द्वारा और क्या नाम है माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है हमारी वो चंद्रशेखर आजाद पर कार्रवाई तुरंत से तुरंत करें और अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये वाल्मीकि समाज आप कोई भी जो एक विशेष जाति है वो इस समाज को इतना कमज़ोर ना समझे कि ये समाज कमज़ोर है, ये समाज सड़कों पर उतरकर और उनका जीना हराम करने का काम करेगा।